जिस बंदे का हाथ सबसे आखिर पर उठेगा इस बर्फ से उसको मिलेगा 1,00,000 रुपया। ठीक है ना? आर यू गाइस रेडी? मुझे अपनी की हुई बातें, मुझे अपने किए गए वादे भरपूर याद रहते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ना 4-5 चीजें काफी ज्यादा पढ़ने को मिल रही हैं। उनमें से पहली चीज है कि गिव अवे का दूसरा विनर कहाँ है, और दूसरी चीज है कि आपने हाउस टूर का कहा था वो हाउस टूर कहाँ है, और तीसरी चीज है कि आपने एक बैड न्यूज हमारे साथ शेयर करनी थी, वो बैड न्यूज क्या है। तो मैं तुम लोगों को बताता चलूं कि गिव अवे का जो दूसरा विनर था ना, उसके साथ मेरा तभी तकरीबन 1.5-2 महीने पहले रब्ता हुआ था, लेकिन उसके बाद मेरे से उसका नंबर मिसप्लेस हो गया है। मेरे पास उसका ईमेल एड्रेस भी नहीं है कि मैं उससे रब्ता कर सकूं। तो भाई अगर तुम मुझे देख रहे हो तो मेरे साथ रब्ता करो। ईमेल एड्रेस तुम्हें स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस ईमेल एड्रेस पर अपना यूजर नेम और अपना कॉन्टेक्ट नंबर भेजो ताकि मैं जल्द से जल्द तुम्हें बुलवाऊं और अपना जो किया हुआ वादा है वो पूरा करूं। और हाउस टूर की बात अब रहेगी। हाउस टूर इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे ना घर के ड्राइंग रूम में ना एक छोटा सा इशू है जो कि मैं अभी तुम लोगों के साथ शेयर कर लूं। ये हमारे घर के ड्राइंग रूम का शीशा है और शीशे के नीचे ना ये लकड़ी का पीस लगा हुआ है। कल ना मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा दबाया तो ये चेक करो यार, ये सारे उखड़ गया। अब मैं जब तक इस शीशे को प्लस ये नीचे वाले हिस्से को तब्दील नहीं ना कर लेता तब तक मैं हाउस टूर नहीं करने वाला। इसीलिए मैंने 1-2 कारीगर जो कि इसका काम श्याम करते हैं उनको बुलवाया है, उनसे बातचीत करूंगा, फिर 1-2 दिन तक इसको चेंज करवाने के बाद मैं हाउस टूर जरूर करूंगा। और तीसरी बात जो बैड न्यूज है वो इंशाल्लाह मैं तुम लोगों के साथ कल या परसों शेयर करने वाला हूँ। सवालों के जवाब तो मैंने दे दिए हैं, लेकिन अब मैं तुम लोगों को जरा आज के चैलेंज की डिटेल थोड़ी सी बता देता हूँ। ये वो वाला चैलेंज है जो कि मैंने आज से 10 या 11 महीने पहले भी किया था, और तब भी गर्मियों का स्टार्ट था और अब भी गर्मियों का स्टार्ट है और दमदार प्लस धमाकेदार किस्म की गर्मी पड़ना शुरू हो चुकी है। इसलिए भाई ने सोचा कि चलो यार आज चैलेंज करता हूं, और इस चैलेंज का नाम है लास्ट टू लीव हैंड फ्रॉम आइस एंड गेट। लास्ट टाइम था 50,000 बट अभी होगा 1,00,000 रुपया। मतलब जिसका हाथ सबसे ज्यादा देर तक बर्फ पर टिका रहा ना उसको मैं अपनी जेब से 1,00,000 रुपया इनाम दूंगा। ये है जी बर्फ का बहुत बड़ा ठेला, लेकिन मैं इन भाई साहब से बर्फ नहीं खरीदने वाला क्योंकि इनके ठेले पर जितनी बर्फ है ना मुझे इससे बहुत ज्यादा बर्फ चाहिए। तो मैं बस इनसे जाकर बर्फ वाली फैक्ट्री का एड्रेस पूछूंगा और फिर जाऊंगा उस फैक्ट्री में। एड्रेस मैंने पूछ लिया है और यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है फैक्ट्री। आइस फैक्ट्री में पहुंच चुका हूँ और अभी यहाँ से उठाऊंगा बर्फ के 2 बड़े-बड़े से ब्लॉक्स। भाई इसमें आप डिलीवरी करेंगे, टूटेंगे तो नहीं ना? बस ठीक है यार, रास्ते हाथ से। बर्फ वाला सीन जी मैंने ऑन कर लिया है। अब मुझे चाहिए 2 बड़े-बड़े जो खाने के बुफे वाले टेबल होते हैं ना वो। चाचा जी को लंबे वाला टेबल नहीं मिलेगा? नहीं यार, अभी एक शॉप पर आया था वहां से तो टेबल मिला नहीं। चलो दूसरी शॉप पर चलते हैं। टेबलों का पता करने के लिए दूसरी शॉप पर मैं आ गया हूँ और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मिल जाएंगे क्योंकि इनके टेबल वगैरह ना मुझे बाहर ही पड़े नजर आ रहे हैं। रखो 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 रखो, नहीं आ रहा पूरा। डिक्की खुली रहे। ठीक है डिक्की खुली रहने दे, आप एक और लेकर आओ। रखो रखो उस्ताद जी, रखो रखो। चलो जी रखे। चले जी टेबलों वाला काम भी अपना हो गया, चलिए कार। चीज़ें वगैरह अरेंज करने के बाद मैं घर चले गया था, और घर जाते ही मैंने जल्दी जल्दी से जितनी फैमिली मेरी गाड़ी में फिक्स हो सकती थी उनको बिठाया, उनको मैं ले आया हूँ अभी फार्म हाउस पर, और बाकी की जो फैमिली रह गई है उनके लिए मैंने दोबारा फिर से इब्रार को घर भेजा के जाकर बाकियों को भी अपनी गाड़ी में बिठा कर इधर ले आ, क्योंकि आज के चैलेंज में ना हमारी सारी फैमिली पार्टिसिपेट करने वाली है। इस वक्त फैमिली के अफराद टोटल हैं हमारे घर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना, एजल को निकाल 12 लोग हैं जो कि आज के चैलेंज में करेंगे पार्टिसिपेट, और इनमें से जो आखिरी बंदा बच जाएगा वो जीतेगा 1,00,000 रुपया। और लास्ट टाइम इस बंदे ने ना मेरे से 50,000 रुपए की दिहाड़ी लगाई थी क्योंकि लास्ट टाइम का विनर ये था। और अब भी मैं ही जीतूंगा, देखते हैं बेटा जो मर्जी तुम लोग कर लो,
लाख रुपया तो अपन का है। पिछली दफा विनर तो ये था, पर विनर ने 10,000 की दवाई भी ली थी बाद में। हाँ, बीमार हो गया। दादा, 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 मेरा हाथ है। दादा, मैं स्कूल नहीं जा रहा, मैं काम कैसे करूँगा। रनर अप में मैं था, और यकीन करो मेरे भी हाथ की लास्ट टाइम लग गई थी। पूरा एक घंटा तो मेरा हाथ किसी काम का नहीं था, मैं बस इसको ऐसे ही लेकर घूम रहा था, क्योंकि इतना ज्यादा वो उसको सुन भी नहीं आप कह सकते। वो पता नहीं कौन सी किस्म होती है हाथ की कि हाथ आपका ना नीला पड़ जाता है ठंडा होकर। और ये जी टेबलों के ऊपर अपना बर्फ वाला सेटअप भी लग चुका है, सारी अमाम आ चुकी है, और ये हमारा लाख रुपया भी आ चुका है। जिस बंदे का हाथ सबसे आखिर पर उठेगा इस बर्फ से, उसको मिलेगा 1,00,000 रुपया। ठीक है ना? Are you guys ready? Yeah! चले जी, 3, 2, 1 and go! एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह हाथ है। चुपने लग गई है भाई। ओह नहीं दे दे दादा जा। भाई मैं आते गई। चल। तो अम्मी पायर हो गई है। अम्मी कहती भाई मैं आते गई। थक गई है। ओ कमल भी गई। भाई सबसे ज्यादा मोटिवेशन अब्बा जान में। देखो वो बैठ गए, वो बैठे खड़ा हो लेकिन हाथ उठ गया तो हां जी अब्दुल मान जीतेगा सानू पता। मैं जीतूंगा। अबू ये काम ना करो, ये आसान है, ये आसान है। एक जगह रखे, हाँ एक जगह रखे, आप एक जगह रखे, बस थक गए ने सारे, कोई भी नहीं थका, ऐसे गुजर ने नहीं थकना, बाकी सब थक जाएंगे। लो जी तीनों ही माइयां थकियां, तीनों बाहर हो गई हैं, सब तो तेरे ने थक गए हैं। ये देखिए आजकल कुर्सी पड़ रही है। अबे आजकल कुर्सी क्यों पड़ रही हो? वो गर्म होती है। अच्छा आयतल कुर्सी गर्म होती है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तू नहीं समझ सकता, छोड़ दे। मुझे गालियाँ दो ताकि ना मुझे गुस्सा आए, मैं गर्म हो जाऊँ। गालियाँ दो। साड़ियाँ गाला क्यों नाला ऐसी। सही बात। भाभी जी अबू एक जगह टिका के रखे। लो जनाब। हाँ अबू बेईमानी कर रहे हैं, अबू चीटिंग कर रहे हैं। हर काम की चीटिंग तो चलता है अजकल। चुपो यार, किन्ने ढीठ हो तुसी सारे, हाथ चुपो। 20 मिनट का तो मैं चिल्ला करा के आया, किन्ने मिनट हो गए ने? नाम कराया है 5 हो गए ने, 15 मिनट में आराम है। मेरा बेटा, मेरा पीर भी शेख फरूक है, उन्हें कहा जा 2 घंटे तो हो गए। ओ एदल भी बाइट से कर रिया। एदल बाबा के जीतने के लिए दुआएं करो, ठीक है? हाँ बाबा। एदल आयशा, आयशा बोलो। आयशा, आयशा यार बात सुनो, क्योंकि एक टाइम हम लोगों को काफी ज्यादा लगता हुआ महसूस हो रहा है, तो कोई गपशप मार लेते हैं। मार लो, मार लो, मार लो गपशप। चलो वो खेलते हैं। आ जाओ। चलो भाई वो खेलते हैं। एक मछली पानी में गई, ठीक है? अब बोलो। एक मछली पानी में गई, छपेक। दो मछली, दो मछली सारे टीम में पानी में गई, छपेक छपेक। तीन मछली, तीन मछली, चार मछली, पांच मछली, छह मछली, छह मछली। अब ये होगा क्योंकि सारे छोड़ नहीं रहे, एक एक पाँव ऊपर उठा लो। ये क्या है? सारे पाँव। अच्छा ये पता की रौला है? ये सिर्फ लख रुपए का रौला है, नहीं तो सारे बस हो चुकी हो चुकी है या ना माने। अब सीन ये है कि टाइम काफी हो गया है, सब डीट यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो मैं ये कर रही हूँ, मैं कैमरा पकड़ के उधर आती हूँ। अब हर बंदा एक एक पाँव ऊपर उठा, एक एक पाँव
अबू भी उठाएंगे, अबू भी उठाएंगे, बाहर हो जाएंगे। एक 20 साल का, एक 60 साल का फर्क तो बड़ा, लेकिन कोई मसला नहीं अबू, दिल होना चाहिए जवान, उम्र की जितना भी मैं। चलो ठीक है, टेंशन ना ले। 3, 2, 1 पाँव उठा ले ऊपर जल्दी से, जल्दी से अबू पाँव उठाए। नीचे जा रहे सुल्के तुम्हारा। अब्दुर्रहमान पाँव नीचे जा रहा है, आउट हो जाओगे, ऊपर कर लो। ओए ढीठ आदमी उठा लो। मेरी बात सुनी ना, तो पाँव से होगी, हाथ से नहीं। अच्छा अबू एक काम चेक करो, ये मेरा सहारा बनाया। ओए गाल सुनो, बंगाली बाबा मुर्दा बाबा। चलो स्टापू खेले, दूसरा पाँव चेंज करो। ढीठ आदमी उठा लो, दूजा रख लो। इसने पाँव के साथ पाँव लगाया हुआ है, नीचे तो नहीं किया ना उसने पाँव। ऊपर लगाया गलत गल नी, चीटिंग नहीं होनी। मैं तो क्या पाओ ऐसे साथ जोड़ा हुआ है, नीचे नहीं लगना चाहिए। आसरा आसरा दुर्कर दा भी काम हो गया जे। हाय बस करे बस करे, सख्त हड्डी के और ढीठ है महाड़ी। तुम ढीठ हो, जो बैठ जाए तो उठ नहीं सकती, वो है ढीठ। चीजू टीचर आ जाओ, बर्फ पे बैठाऊं, आ जाओ पीछे पीछे पीछे। वो भी चैलेंज का हिस्सा बनना चाहती है। और तुम लोगों को खुदा का वास्ता उठा लो, कितने बंदे हैं? 2, 4, 6, 8 पैसे बांट लेते हैं। चलो पंजीदार मेरा। जुल्कर पाँव उठाओ, मेरी टांग दर्द होने लग गई। तो उठा ले, निकल दे भाई। पकड़ सकते हैं हाथ से? हाथ से पकड़ो। हाँ ये जो बर्फ वाला आता है ना उससे पकड़ ले। नहीं दूसरे हाथ से पकड़ सकते हैं? नहीं ये पकड़ रही है बार बार। नहीं वो जुटी तो ये नहीं, दूसरा सीधा किया उसने। अबू आपको 10,000 दिया, ठीक है छोड़ दे, ले आओ क्यों, ले आओ देंगे ना। 9 नगद तेरा उधार, 9 नगद दो का मर ले। तो और क्या करूं, दर्द इतनी हो रही है। उठा लो दुर्गत, पाँव उठाओ यार, पाँव उठाओ ना, ऐसे नहीं किसी ने लगाया। और क्या उठाऊं, जान बूझ के कर रही हो कि मैं बाहर हो जाऊं। ये पहले भी लास्ट टाइम भी ना इस बंदी ने मेरा पाँव लगा नहीं था, लेकिन इससे कह दिया लगा है, तुम बाहर हो गए। नहीं लगा था, तुम जाकर ना उस ब्लॉग के कमेंट चेक करना, सारी दुनिया शोर शराबा कर रही थी कि धंडनर भाई का पाँव नहीं लगा। अच्छा चले ठीक है, ठंड का माहौल चेक कर, थोड़ी अच्छे तक है, पूरी बांह ठंडी होगी। ब्रो तेरा तो बाजू ठंडी हुई है, मेरा तो खून जम गया। इस बाजार की सीटियां बाज दी रहनी है। हां जी चलन दे जो चलता है, और भूख मार भाई यार, और जे जा रहे तू चले जा। हां तो तुझे नहीं जीतने देना, और जो मर्जी जीत जा। आई मैं कर ला, ओए दिन से रात हो रही है, बस कर दो। नहीं आप बस करें, फिर हम भी दुलकर पांव उठाओ ऊपर। कमल मेरा पांव नीचे लगेगा तो फिर तुमने बात कर, जोड़ नहीं सकते आप यार, फिर इस तरह तो सारे हारेंगे ही नहीं, इसलिए कह रही हूं। हटना नहीं, दोनों हाथ नहीं, स्कीम ये करनी है कि हम सब ने ना अब
एक दूसरे के साथ। ले भाई धक्कम धक्की करती ना मनो दे ना से चलो जी अठ बंदे खलो जा 12 8 96 12 12 आधार रह दो कोई फैसला नहीं होना जो जीतेगा उसी को पैसा हाँ उसी को लाख रुपया जाएगा। ओ यार यार मैं बस कर रहा हूँ यार ये! मेरी वैसे भी बस हो गई मेरा हाथ बहुत बुरा शर हो गया मैं हाँ जीतना तो तुम बस हो गई यार मेरी मैं भी चलना हाथ मेरा एक इंच चल गया उठा लो। हाँ जी इस वक्त जो लोग बर्फ के ऊपर है तुम लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा? भाई ये लोग महाढीट है महाढीट। मनु दो 3000 छोड़ो आ छोड़ो सानू तो 3 ऐसे भी छोड़ देने हैं। अब भूखा मार रही है अभी ना इन सबको जाकर मैं तंग शंग करता हूँ। अरे अबू का पाँव लग गया अबू आप बाहर हो गए मेरा काम सो मेरी गल सुन लो अगर मेरा पैर लग गया हो मैं 10 लाख रुपया देंगा बहा दे अगली बात चवल आदमी ये देखे जारा पिछे होता है मेरा पाँव लगा इसका पाँव लग चुका था और ये मैं ऐसे में जब यहाँ उठा लिया ऊपर उठा लिया झूठ नहीं बोल रही यार क्यों रोवा दे ओए वो भी रोने लग गई है ओ इधर अबूर खप डाल रहे हैं और वो रोने लग गई है। ओ भाई ये चैलेंज तो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक बन गया। मामा नीचे तो बहू मेरे कार्ड निकाल कहां पे है मैं हां हां सही कहंदी हो हां चल तू ते अबू जी ते नहीं असि नहीं जूते अभी आ रही हां मेरी टांगे खा रही है चलो चीटिंग हो रही है असि आ रहे हैं ओ आप चीटिंग नहीं है चीटिंग हो रही है असि आ रहे हैं बाहर गए अबू असि बायकॉट करने हैं बदतमीजी नहीं लगा है इसका लगा नहीं नीचे था अपनी अल्लाह पाक की कसम और नीचे का बहू यार अब इन तीनों को मैं तंग करूंगा मैं निकल ही जाता हूं। मैं भी करता हूं। एक ऐसा ब्रो ठीक है और सुना मैंने अपने मैं बिल्ली बच्चे की जेब वो इसको गुजगरे भी हो रही है अभी पेंट ला दे इसकी पेंट ला ये लो मैं उतार रहा हूं। ओए गुदगुदी भी नहीं हो रही ये कौन है शैतान तेरी भी टांगे कैसे काम कर रही है खड़े ही हैं गुदगुदी भी कर लिया फिर भी हाथ नहीं हिला रहे। लो जी फैसला हो गया सारे लगे हुए हैं लेकिन मैं दिल से बता रहा हूँ आज का जो विनर है ना वो है अब्दुल मान।
तो जी एक ये खातून और एक ये खातून अब रह गई है। लड़कियां रह गई, पिछली बार दो लड़के थे, इस बार दो लड़के। क्या बात है, ये वाला फेंक ना यार। ये बच्ची बहुत स्ट्रॉन्ग निकली है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये यहाँ तक टिकेगी। और वो छोटी है ना यार, और मैं दुआ भी यही कर रहा हूँ कि ये जीते। इनके पास पाँव चेक करो, पाँव बस उठे हुए हैं। हाँ उठे हैं। ओए कमल ऐसी नहीं करो बेईमानी, तो ऐसी नहीं करो, चीटिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है, ना करो। वो ये नहीं हिल रही, ये नहीं हिल रही। आयशा लगता हिल जाएगी। ओ नठो पुसा बैग, ओ पुसा बैग, पुसा बैग, ये नठो है। ओए आयशा भी नहीं हिल रही। ओए मुझे, ओए आयशा हिल जा। ओए लग गई है, पाँव लग गया, इसका पाँव लग गया। विनर इसमें जी, ये क्लैपिंग होनी चाहिए। अब वो ठीक है, इंजन जो हो रहा है, क्लैपिंग करे जी सारे। इसके हाथ पे तो निशान बन गए हैं, ये चेक करो, इसका चेक कराओ। हुए 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 हुए, 60 साल के बंदे भी हार चुके हैं, ये 55 साल के बंदे भी हार चुके हैं, 50 वाले भी हार चुके हैं, ये 25 वाले भी हार चुके हैं, 28 वाले भी हार चुके हैं, और 20 18 19 वाले। वो कह रहे भावे तो मैं हरा ले, पर उम्र से नो कम। कितनी उम्र है मेरी? 40-42 साल उम्र। 42 नहीं, आपकी तो पासपोर्ट के लिहाज से 46 साल उम्र है। एम ही आपा कर रहे हैं, मैंने पासपोर्ट देखा हुआ यार। ये भी हार चुके हैं, बस जीती कौन है? सिर्फ और सिर्फ 12 साल की हमारी ये प्यारी सी इस्मा। बेईमानी हुई है। अबे जा बेईमानी, मेरा हार चुका है यार। सही वाला ड्रामा इस लड़की ने किया और अब्बू ने किया। अब्बू ने खप डाल दी और दारा ने रोना शुरू कर दिया। हेलो जी इस्मा, तुम्हारी जीती हुई अमाउंट, अब क्या करोगी? बोलूंगी। कौन सा आईफोन? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। Para poder verte.